हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी फील्ड में, रिहैबिलिटेशन फील्ड में जो लास्ट एक्ट आया था वो था RPWD एक्ट 2016। उसके अंदर 21 डिसेबिलिटी जो दे रखी थी, उस 21 डिसेबिलिटी में मेंटल रिटार्डेशन की जगह जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही नाम लिखा गया था। लेकिन मैं MR का नाम ही यूज़ कर रही हूँ, मेंटल रिटार्डेशन वर्ड ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी तक मेंटल रिटार्डेशन का नाम है। आपको मेंटल रिटार्डेशन के नाम से ही पढ़ना है, इसलिए पेपर के अंदर क्वेश्चन भी मेंटल रिटार्डेशन के नाम से ही आता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों सेम ही हैं, क्योंकि अगर पेपर में आ जाता है तो आप इसको देखकर कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिसेबिलिटी एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास हम यहीं से शुरू करते हैं और इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन है क्या? मेंटल रिटार्डेशन जो है एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का टाइप है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि फिजिकली, लैंग्वेज, लर्निंग, बिहेवियर एक्सेट्रा एरिया में जो डेवलपमेंट होता है, जिस एज में होना होता है, वो या तो डीले हो जाता है या पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चों को डेली लाइफ एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आती है, जिसको हम डेवलपमेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसको मेंटल रिटार्डेशन है, उसके ब्रेन का या तो पूरी तरीके से विकास ना हो पाना या किसी प्रकार का इंजरी हो जाना या नुकसान होना, जिसकी वजह से ब्रेन जो उसके फंक्शंस हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव फंक्शनिंग, नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर जो ब्रेन का काम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रीजनिंग और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लर्निंग वगैरह होता है। और एडेप्टिव फंक्शनिंग के अंदर जो एक एज के अकॉर्डिंग डेली लाइफ एक्टिविटी हम लोग करते हैं, उसको कहा जाता है एडेप्टिव फंक्शनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, DSM-5 जो है, करंट एडिशन है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का, उसके अंदर जो मेंटल रिटार्डेशन मेंटल डिसऑर्डर का पार्ट है, उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन को एक नया नाम दिया गया। मेंटल रिटार्डेशन की जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिया गया। अब तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहाँ से आया। जो DSM-5 जो है आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया टूल है, उसके अंदर नया नाम दिया गया पहली बार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसको, मेंटल रिटार्डेशन को। हमारे देश में MR का जो प्रीवेलेंस रेट है, प्रीवेलेंस का मतलब होता है कि हमारे देश में टोटल कितनी जनसंख्या है MR की, तो उसको कहते हैं प्रीवेलेंस रेट। तो वो जो है सर्वे कौन करता है, आपका सेकेट्रिक मॉर्बिटी सर्वे। कौन करता है? सेकेट्रिक मॉर्बिटी सर्वे। और ये इसके अंदर कौन करता है, आपका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो सर्वे करते हैं, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरियाज का, टारगेट पॉपुलेशन का, रूलर अर्बन एरिया यानी शहर और ग्रामीण एरियाज का, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्वे करता है। और जो MR का प्रीवेलेंस रेट है 1951 से 1954 तक, कुछ स्कूल की आबादी से, कुछ सामान्य जनसंख्या से 0.7 से लेकर 40 तक बताई गई। और ग्रामीण और शहर में जो स्कूल और पॉपुलेशन है, स्कूल की पॉपुलेशन और जनरल पॉपुलेशन में है, उसमें क्या बताया गया, 0.1 से लेकर 140 बताई गई। किसने बताया? सेकेट्री मॉर्बिटी सर्वे द्वारा ये रेंज हमें बताई गई। ये जो था पर 1000 के हिसाब से बताया गया था, 0.0740 पर 1000 में से बताया गया था, सर्वे किया गया था। MR को लेकर पुराने टाइम में कुछ मिसपरसेप्शन थे जिसको दूर करना जरूरी है। सबसे पहले तो मेंटल रिटार्डेशन मेंटल इलनेस नहीं है, क्योंकि पुराने के जो टाइम में था, मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन को एक ही कैटेगरी में रखा गया था, तो ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। मेंटल इलनेस के अंदर जो पर्सन है कंफ्यूज रहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या इन्वायरमेंट को लेकर,
अपना डिस्ट्रॉय परसेप्शन रेडी कर लेते हैं, साथ ही साथ इनका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, स्विंग होता रहता है। और मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन एक पर्सन में आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि आपको ये दोनों एक ही पर्सन में मिले, लेकिन अधिकतर आपको ये दोनों प्रॉब्लम अलग अलग पर्सन में ही देखने को मिलेगी। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर सभी मेंटल रिटार्डेशन जो पर्सन्स होते हैं उनमें फिजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है सभी, लेकिन आपका कुछ जो फिजिया आपका ये भी ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल डिसऑर्डर जिसको हो वो मेंटल रिटार्डेशन भी हो, लेकिन अधिकतर जो है बहुत सारे लोगों में मेंटल रिटार्डेशन यानी आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और आपका फिजिकल डिसेबिलिटी दोनों एक साथ देखने को बहुत अधिक मिल जाते हैं। दोनों को कंबाइंड आप बहुत जल्दी बहुत सारे पर्सन्स में आप देख सकते हैं कि जो मेंटल रिटार्डेशन भी हो और फिजिकल डिसेबिलिटी भी उसके अंदर हो। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें पुराने अपने हिस्टोरिकल चीज़ों में मिल जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन के लिए जो यूज़ किए जाते थे, इडियट, इम्बिजाइल, मेबल माइंडेड, मोरोन, मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल सबनॉर्मलिटी, रिटार्डेड। ये जो सब टर्म हैं आप जो है क्लिनिकल या आपके हिस्टोरिकल साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। मेंटल रिटार्डेशन की जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है। पहली डेफिनेशन AAMD और AMR द्वारा दी गई जो 1959 से 61 में दी गई थी। AAMD की जो फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी है और इसको चेंज करके बाद में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन रखा गया। 1959 से 61 में दी गई डेफिनेशन का जो मॉडिफिकेशन 1973 में किया गया, फिर 77 में, 83 में, 92 में और लास्ट 2002 में किया गया। 2002 की डेफिनेशन है जो है वो इस प्रकार है, मेंटल रिटार्डेशन इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर एज एक्सप्रेस इन कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल अडेप्टिव स्किल। दिस डिसेबिलिटी ऑरिजिनेट्स बिफोर एज 18। इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन को डिसेबिलिटी कहा गया और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स में बोला गया कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों के अंदर इसमें लिमिटेशंस जो हैं करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे और ये एक्सप्रेस जो होंगे कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल अडेप्टिव स्किल के दौरान दिखाई देंगे और ये डिसेबिलिटी जो है 18 से पहले पहले हो सकती है, 18 साल से पहले पहले हो सकती है। इसके अंदर जो IQ लेवल वो बताया गया कि 70 या 70 से बिलो होगा, इसको क्लिनिकल जजमेंट के बाद 75 किया जा सकता है। साथ ही साथ अडेप्टिव बिहेवियर जो है उसको असेसमेंट करने के लिए साइकोमेट्रिक गाइडेंस को ऑफर किया गया और इस मेंटल रिटार्डेशन का जो विकास है 18 एज तक हो सकता है, ये चीज़ें बताई गई। इनोवेशन जो किया गया वो अ न्यू टैक्सोनॉमी ऑफ अडेप्टिव स्किल, साइकोमेट्रिक गाइडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग सिस्टम और सब क्लासिफिकेशन, और जो क्रिटिज्म है आलोचना है वो आने वाले समय में और हो सकती है या चेंजेस और किए जा सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन की नेक्स्ट डेफिनेशन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा 1996 में दी गई जो इस प्रकार है, मेंटल रिटार्डेशन रेफर टू सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन अडेप्टिव फंक्शनिंग विच एग्जिस्ट करंटली एंड ऑन सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव लिमिटेशन बिफोर द एज ऑफ 22 ईयर। इसके अंदर भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव फंक्शनिंग की बात ही की गई है, उसमें लिमिटेशंस की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो लिमिटेशन की एज है बढ़ा के 22 ईयर कर दी गई। इसमें पहले वाले में 18 ईयर थी और यहाँ पे 22 ईयर कर दी गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन PWD एक्ट 1995 में दी गई जिसमें कहा गया कि मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच इज अ स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। मेंटल रिटार्डेशन को डिसेबिलिटी ना कह के कंडीशन कहा गया इसके अंदर और माइंड का पूरी तरीके से विकास ना होना, इनकम्प्लीट विकास होना पर्सन का बोला गया। साथ ही साथ उसका करेक्टरिस्टिक्स जो है इंटेलिजेंस के अबनॉर्मेलिटी के रूप में दिखाई देगा ऐसा बोला गया और यही सेम टू सेम डेफिनेशन नेशनल ट्रस्ट के अंदर भी दी गई।
और नेक्स्ट जो है डेफिनेशन RPWD एक्ट 2016 में दी गई, उसमें मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम देकर दी गई। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन अडेप्टिव बिहेवियर विच कवर अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल। सेम यही डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी कि लिमिटेशन होगी, इसे भी कंडीशन बोला गया डिसेबिलिटी की जगह, और ये बोला गया कि इसमें जो लिमिटेशन होगी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर होगी, और ये जो दिखाई देंगे एवरीडे जो आप काम करेंगे स्किल्स करेंगे उसमें सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर दिखाई देगी। मेंटल रिटार्डेशन के करेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं, यानी लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है इन बच्चों का जो IQ लेवल होता है या तो 70 या 70 से कम होता है। साथ ही ये बच्चे लुढ़कना उठना बैठना रेंगना चलना ये सब में इनका विकास डीले होता है, लेट होता है। देर से बात करते हैं ये, मतलब इनका जो टॉकिंग होता है वो लेट शुरू होता है डेवलप होता है, या फिर ये बच्चों को बोलने में परेशानी होती है। साथ ही सेल्फ केयर स्किल और डेली लिविंग स्किल्स करने में उनको प्रॉब्लम आती है, बैड मेमोरीज होती हैं, स्लो लर्नर होते हैं। साथ ही ये बच्चे जब एक्शन के साथ रिजल्ट को नहीं जोड़ सकते, जोड़ने में असमर्थ होते हैं, यानी आप कुछ काम कर रहे हैं उसका आगे रिजल्ट क्या आएगा उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं। अटेंशन में कमी होती है, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में उनको डिफ़िकल्टी होती है, इमोशंस को कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होती है, सोशल डेवलपमेंट उनका पुअर होता है, दूसरों से जल्दी बात नहीं करते हैं, शर्म आती है उनको, शाय किस्म के होते हैं, तो इस तरीके के सोशल डेवलपमेंट में पुअर होता है। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिटी यूज़, कम्युनिटी में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको यूज़ करने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। इन बच्चों को न्यू आइडियाज़ को अप्लाई करने में दिक्कत होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी पुअर होती है, सेल्फ डायरेक्शन में कमी होती है। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब अपने आप को डायरेक्शन देना कि किस रास्ते पे जाना है, क्या रास्ता उनके लिए ठीक होगा, उसको सोचने में कमी होती है, सेल्फ रेगुलेशन में कमी होती है, मोटिवेशन में कमी होती है। साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम बिहेवियर देखने को मिलती है, लाइक जैसे गुस्सा आ जाना, ज़िद्दीपन आपका, ये सब चीज़ें इन बच्चों में देखने को मिलती है। साथ साथ बच्चों में क्यूरियोसिटी की कमी देखने को मिलती है, क्यूरियोसिटी जैसे छोटे बच्चे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, तो इस तरीके की से जो क्यूरियोसिटी होती है वो बच्चों में भी देखने को, इन बच्चों में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग में डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही जो मेंटल रिटार्डेशन के सीवियर और प्रोफाउंड केस होते हैं उनमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, लाइक सीजर्स, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, मोटर स्किल्स इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग प्रॉब्लम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। क्लासिफिकेशन और मेंटल रिटार्डेशन को तीन भागों में बांटा गया है, फर्स्ट आपका मेडिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन क्लासिफिकेशन। ये तीन क्लासिफिकेशन के अंदर MR को बांटा गया है। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है मेडिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर उन पॉइंट्स को रखा गया है या कह सकते हैं उन मेडिकल कंडीशन को रखा गया है जो बच्चे को डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होने का कारण बन सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेटिंग रिलेटेड। इसमें यदि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है लाइक रूबेला, सिफेलिस, चिकन पॉक्स होने पर, या फिर माँ डॉक्टर से बिना पूछे किसी तरीके की दवाई लेती है या किसी तरीके का नशा करती है तो बच्चे को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेती है या मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक नहीं रहता है तो बच्चे को कुपोषण जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर।
इसमें प्रेगनेंसी के दौरान माँ को किसी तरीके का टेंशन या तनाव हो जाता है, या डिप्रेशन या स्लीप डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, तो बच्चे का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता, यानी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण बनता है ये डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी होने का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके अंदर क्रोमोसोम का हाँ एक फॉर्मेशन होता है, अगर वो खराब हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो बच्चे को डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी हो जाती है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये सभी दो दो के पेयर में होते हैं, और टोटल हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं। अगर ये फॉर्मेशन खराब हो जाता है, 46 से 47 पेयर क्रोमोसोम हो जाते हैं, या जो पेयर है उसका फॉर्मेशन खराब हो जाता है, दो दो के पेयर की जगह आपका एक किसी पेयर में तीन पेयर बन जाते हैं, तीन का पेयर बन जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर डिसेबिलिटी हैं, होते हैं इसी वजह रीजन से होते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स, ये क्रोमोसोम डिफॉर्मेशन की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रेगनेंसी डिफॉर्मेशन। इसी तरीके से यूट्रस का भी एक फॉर्मेशन होता है कि किस तरीके से वो डेवलप होता है। अगर वो ठीक तरीके से के उस डेवलप नहीं होता है, या उसके अंदर किसी तरीके के कैंसर या ट्यूमर होने होता है, तो वो क्या होता है, बच्चे की प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है, और ये जो है एक आगे चल के बच्चे को कारण बनता है डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होने का। नेक्स्ट है प्रीनेटल और अननोन फैक्टर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण कभी पता नहीं लगा है कि वो क्यों हुए हैं। लाइक आपका एग्जाम्पल माइक्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जिसका रीज़न नहीं पता लगता है क्यों हुए हैं, लेकिन इनका कारण फिर हेरिडिटी या इन्वायरमेंट फैक्टर से इसको जोड़ दिया जाता है बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेन डिसीजेज। बच्चे में ब्रेन में अगर ट्यूमर या कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती हैं, बच्चे के ब्रेन में, अगर बच्चे के, अब यहाँ माँ की बात नहीं हो रही है, बच्चे की हो रही है, कि बच्चे के ब्रेन में अगर ट्यूमर या कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है, तो भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंटल एंड फिजिकल फैक्टर। बच्चे को अगर प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल में किसी तरीके की चोट लग जाती है, या उसका किसी ब्रेन का कोई पार्ट कार्य करना बंद कर देता है या खराब हो जाता है, या ब्रेन को किसी तरीके के सेल में नुकसान पहुंचता है, तो ये भी एक कारण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायर फैक्टर के अंदर गरीबी के कारण कुपोषण जो हो जाता है, एजुकेशन का सब अवेयर ना होना, ये कारण बन जाता है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के होने के कारण। पूरे वैक्सीन्स ना लगाना, जो आपका वैक्सीनेशन लगते हैं बच्चों को, माँ को प्रेगनेंसी के दौरान, अगर वो पूरे ना लगाए जाएं, तो वो भी इसका कारण बन सकते हैं। ये सब आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट आपका एनी अदर फैक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिसेबिलिटी होने का कारण बनते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को किसी तरीके का सीजर, दौरे पड़ते हैं, तो भी बच्चे को नुकसान पहुंचता है, और बच्चे के पैदा होने के बाद अगर बच्चे को सीजर्स पड़ते हैं, तो भी बच्चे को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो है आपका साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है आईक्यू के आधार पर किया गया है, आईक्यू की रेंज के आधार पे किया गया है। तो सबसे पहले जो है ICD-10 में एक साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, और उसके अंदर माइल्ड जो है 50 to 70 IQ रेंज हो तो वो माइल्ड होगा, मॉडरेट 35 to 50 अगर IQ रेंज होगी तो वो मॉडरेट होगा, सीवियर अगर IQ रेंज 20 to 35 होगी तो, अगर प्रोफाउंड तब वो होगा अगर 20 से कम अगर IQ लेवल अगर उसका होगा तो। नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू DSM-5। DSM-5 के अंदर माइल्ड जो है 50 to 69 IQ रेंज बताई गई है, मॉडरेट की 36 to 49 IQ रेंज बताई गई है, और सीवियर की 20 से 35, और प्रोफाउंड की 20 से कम। नेक्स्ट और लास्ट आता है एजुकेशन क्लासिफिकेशन। एजुकेशन क्लासिफिकेशन एजुकेशन के आधार पे किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है एजुकेबल।
एजुकेबल जो है 50 to 70 IQ रेंज वाले इसमें बच्चे आते हैं जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास इजीली अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। साथ ही इनका सोशल डेवलपमेंट भी ठीक होता है और अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी भी इजीली वो कर लेते हैं और बाद में अपना पढ़ाई कंप्लीट करके किसी तरीके के व्यवसाय भी खोल लेते हैं और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ट्रेनेबल, ट्रेनेबल के अंदर 35 से 50 IQ रेंज वाले बच्चे आते हैं जिसके अंदर ये जो बच्चे हैं फर्स्ट टू सेकंड क्लास तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और नाम पता अपना एड्रेस वगैरह अगर ट्रेन किया जाए तो लिख लेते हैं, डेली लिविंग एक्टिविटी भी ट्रेन करने पर उसे कर लेते हैं। साथ ही इनको वोकेशनल के लिए अगर ट्रेंड किया जाता है, ट्रेंड करने के बाद वो अपना ऑक्यूपेशन खोल लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो आता है अनट्रेनेबल आता है और इसको कस्टोडियल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 35 IQ से कम रेंज वाले बच्चे होते हैं और ये हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं और ये इनका सोशल डेवलपमेंट भी पिछड़ा हुआ होता है और इनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी हो रहती हैं। साथ ही ये किसी तरीके का व्यवसाय करने में समर्थ नहीं होते हैं, पूरा होल लाइफ किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। हमारा ये पूरा का पूरा हमारी आज क्लास ख़त्म होती है और अगर किसी तरीके की आपको कुछ इंक्वायरी करनी है इसमें कुछ रिलेट करके अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्द ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।